नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा की आवाज वो मंच जहां उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, लेते हैं उन पर आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। आपने आते जाते कई सारे सड़क हादसे देखे होंगे, इन सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, ये आपकी नजर में इसका जवाब क्या होगा, ये हम जानने के लिए आए हैं आज हरियाणा की आवाज में। जुड़ते रहिए इस मंच के साथ और बताइए कि इन सड़क हादसों के पीछे जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कौन होते हैं। कई सारे हमारे ख्याल जहन में आ जाते हैं जब इस तरह का सवाल सामने होता है, लोग ड्रिंक एंड ड्राइव को जिस तरह से अंजाम देते हैं या फिर लापरवाह तरीके से जिस तरह से वो गाड़ी चलाते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं, क्या वजहें आपको नजर आती हैं, सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। तेज रफ्तार ट्रक ने दरअसल रेवाड़ी में एक दंपत्ति की जान ले ली, भतीजा भतीजी मौत से जूझ रहे हैं, कोई ठीक नहीं है कि ये दो की जगह चार मौत की खबर हो जाए। ट्रक ने दरअसल यहाँ स्विफ्ट गाड़ी को टक्कर मारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। भिवाड़ी के रहने वाले थे मृतक दंपत्ति, अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने की कीमत शुक्ला फैमिली को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। एक ट्रक ने इनकी स्विफ्ट को टक्कर मार दी और दो जाने चली गई। जो दो जाने बची हुई है वो भी कब चली जाएंगी, कोई ठीक नहीं। ये सड़कें और कितनी जान लेंगी, सड़कों पर होने वाले हादसों का जिम्मेदार कौन है, कब थमेगा सड़कों पर लोगों के मरने का सिलसिला, कब थमेगा तेज रफ्तार का कहर। ये तेज रफ्तार या नशे में गाड़ी चलाना या लापरवाही या बेपरवाही या जानबूझकर किया गया कृत्य, क्या समझ में आता है आपको, जुड़िए और बताइए। जी हाँ, ये कोई पहला वाक्या नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे हादसे आते रहे हैं और सुर्खियां बटोरते रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा परिवार भी आहुति चढ़ गया हादसों की। सवाल यह है कि आखिरकार तेज रफ्तार का जो कहर है वो आखिरकार थम क्यों नहीं रहा है और आदमी इससे सबक क्यों नहीं ले रहा। वजह यही है, सवाल अहम है, क्योंकि एक बार फिर से तेज रफ्तार ने दंपत्ति की जान दी है। ट्रक ने इस बार स्विफ्ट गाड़ी को टक्कर मारी है। आखिरकार ये हादसे कब तक होते रहेंगे, इन पर विराम कब लगेगा, लापरवाही की कही जाए या फिर जानबूझकर ये कहा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनामिका लापरवाही भी रहती है जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं, बेहद चौंकाने वाले घटनाएं होती हैं। और एक घटना से अगर हम सबक लें तो अच्छी बात है, लेकिन सबक इंसान लेना नहीं चाहता ऐसा ही लग रहा है। और हमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाएं तो खासकर एक गुजारिश ही समझ लीजिए हमारी तरफ से कि ड्रिंक ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ये भी देखते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के बहुत केसेस आते हैं अनामिका, जिसमें लोग रैश गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और उसमें अपनी जान तो जाती जाती जोखिम में डालते हैं, साथ में आसपास जो खड़े होते हैं कई बार पैदल चलते हुए लोगों को भी लपेट लेते हैं। तो ये आखिरकार आप अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरत कर रखें जिससे कि इस तरीके के हादसों पर रोक हो सके, इस तरह के हादसों पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि जो मर रहे हैं लोग, जिनकी मौत हो रही है इस तरीके की दुर्घटनाओं में, बेहद ही चौंकाने वाली है और आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। ट्रैफिक रूल्स हैं, यातायात नियमों का अगर आप प्रॉपर तरीके से सही तरीके से पालन करते हैं तो शायद इस तरीके के हादसों में रोकथाम हो सकती है। और नियंत्रण की बात की जाए तो जो गति सीमा होती है उसको भी नियंत्रण रखें, नियंत्रण से ऊपर आप ना चलाएं गति सीमा जो होती है, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से हादसे होते हैं। हरियाणा की आवाज में आज हम इसी मुद्दे पर आपकी राय लेंगे कि आखिरकार कैसे रुकें सड़क हादसे। फोन लाइन लगातार हमने ओपन कर रखी है, जुड़िए, अपनी राय हमसे साझा करिए। जहां तक मुझे समझ में आता है ट्रैफिक रूल्स की पालना ना करने वाले लोग इन चीजों को जो बढ़ावा देते हैं, ट्रैफिक रूल्स को ना उसे खास नहीं समझते और उसे फॉलो नहीं करते हैं, ये भी इस तरह के हादसों को जन्म देते हैं। बेशक से आप किसी सुनसान सड़क पे जा रहे हो लेकिन आप उतनी ही बेपरवाहगी के साथ चलाते हैं गाड़ी जितना आप किसी हाईवे पे या किसी एक ऐसी सड़क पे चलाते हैं जहां पर दिन रात गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, सरपट भागती हैं। तो नियमों की पालना ना करना या तेज रफ्तार का कहर, नशे में गाड़ी चलाना, बेपरवाहगी, क्या आपको समझ में आता है, क्यों होते हैं सड़क हादसे, जिम्मेदार कौन लोग हैं। कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बोलिए कृष्णा जी। हाँ
जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, इसमें मतलब एक तो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना इसका मेन कारण है, और दूसरा नशे की हालत में चलाना, और तीसरा मैडम सरकार की ओर से भी लापरवाही है कि अगर रोड पर पाबंदी नहीं होगी और पकड़ नहीं होगी, अगर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं लोग, और अगर मान लो पुलिस प्रशासन उसकी पकड़ करता है कि 60 या 70 की स्पीड से तेज गति से वो ला रहा है, और अगर पकड़ के उसका चालान बनाता है या उसके कागज वगैरह चेक करता है, तो मैडम वो लोग डर जाते हैं और सहम जाते हैं। तो मैडम सरकार की ओर से भी सख्ती होनी चाहिए, तो ये सड़क हादसे तभी रुकेंगे मैडम, क्योंकि लोगों को जल्दी रहती है और जल्दबाजी में ये नहीं पता कि उनकी जान चली जाएगी। खाली जो वो लोग सबक लेते हैं जिनकी जान चली जाती है, उसका परिवार थोड़े दिन तो कहर में रहता है डर से, लेकिन उसके बाद मैडम फिर भी उसी गति में आ जाते हैं लोग। तो गति से प्रथम सुरक्षा मैडम, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को अपनी जान जोखिम पर लेकर नहीं चलना चाहिए, भले ही देर से घर पहुंच जाए, देर से उस फंक्शन में पहुंच जाए, लेकिन उनको अपनी जान को हथेली पर रख के गाड़ियों पर नहीं बैठना चाहिए। और ये कारों में जो हादसे होते हैं, इस पे भी मैं उन लोगों से भी यही कहूंगी कि वो तेज रफ्तार से गाड़ी चला के कार वाले भी ले जाते हैं, तो कार वाले भी टेक ओवर करके निकालने की कोशिश करते, बेलोड होते हैं, इसलिए वो मैडम डामाडोल कंडीशन में होने के कारण भी शीघ्र ही हादसा हो जाता है। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जनता को खुद अपनी जान जोखिम में लेकर नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कृष्णा। और कुछ मंचले भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आप देखिए सौरभ, कई दफा गाड़ी सड़क क्रॉस करते वक्त आप अगर दूर से किसी गाड़ी को देख रहे हैं और आप फुटपाथ पर जो क्रॉसिंग जिस तरह का बना हुआ है, बेशक से आप नियमों के हिसाब से क्रॉस कर रहे हैं, फिर भी वो गाड़ी वाले, चाहे ज्यादातर खासकर इसमें बाइक सवार है जो बहुत तेजी से भगाते हैं, जैसे ही देखते हैं कोई क्रॉस कर रहा है तो उनकी स्पीड जो है और ज्यादा तेज हो जाती है, तो इस तरह से भी हादसे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसे रोका जा सकता है और क्यों होते हैं ये हादसे, आपको क्या समझ में आता है? जो हम बता रहे हैं वो ठीक है, उसे अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो भी आप फोन कीजिए, नहीं रखते तो जो भी आपके समझ में आ रहा है, अगर आपने इस तरह के हादसों को देखा है तो आप और ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे, इसलिए जुड़िए जरूर। जी हाँ, जेब्रा क्रॉसिंग की बात आपने की अनामिका, जिस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग पर लोग पार करते हैं उसके बावजूद ये देखा गया है अमूमन कि बाइक राइडर्स जो होते हैं वो अंधाधुंध बाइकें चलाते हैं। आखिरकार हादसों की रोकथाम कैसे हो? सतबीर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, इनकी राय ले लेते हैं। सतबीर जी नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार। ऐसा है कि कई जगह देखा जाता है, कई कॉलोनियां ऐसी होती है जहाँ पे सड़कें अच्छी होती हैं और स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लिखा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई नवयुवक जो होते हैं जिन्होंने तुरंत तुरंत गाड़ी चलाना सीखा है, वो अक्सर 70, 80, 90 मतलब हाईएस्ट जितना हाईएस्ट होते जाते हैं, तो उस जगह क्या होता है कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं या महिलाएं निकल रही होती हैं या बुजुर्ग होते हैं, तो उस जगह पे हादसों का ग्राफ कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो दो काम करना चाहिए, पहला तो इन लोगों को समझना ये चाहिए कि यहाँ पे स्पीड को आप कंट्रोल करके रखें, और दूसरा जितना ज्यादा ऐसी जगहों पे रोड ब्रेकर हो उतना ज्यादा बेहतर होगा। स्पीड ब्रेकर, हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर, बहुत अच्छी बात कही आपने। कहीं ना कहीं नामे का ये लापरवाही ही कहेंगे, क्योंकि जो ऐसी जगह होती है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं वहां पर आप 70, 80, 60 की स्पीड या 50 भी मान लें आप अमूमन, तो वो खतरे की तो घंटी बजा ही देता है, क्योंकि जब आप 50 की स्पीड में भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपने चपेट में लेंगे। और ऐसे लोगों के लिए जैसे कि सतबीर ने कहा कि बाकायदा बोर्ड लगा होता है कि इस सड़क पर धीरे चले, यहाँ से धीरे से गुजरे, ध्यान रखे आगे मोड़ है, ये सारे बोर्ड लगे होते हैं, और ये देखने के बाद भी लोग वहां से ऐसे भागते हैं, ऐसे लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हैं जो इन हादसों को अंजाम दे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी एक चीज समझनी होगी, जब इतने बड़े बड़े शब्द लिखे होते हैं वो लोग नहीं देख सकते, तो कई जगहों पर सौरभ आपने देखा होगा सिंबल लगे होते हैं, क्रॉस कैसे करना है आपको, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, आप पैदल हैं तो आपको कैसे क्रॉस करना है, आपको किस स्पीड में गाड़ी चलानी है, आप कितने आगे जाके आपको क्या टर्न मिलेगा, इन सिंबल्स को लोग क्या खाक समझेंगे जब वो हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को नहीं पढ़ पाते, पढ़ना नहीं चाहते, नहीं पढ़ पाते कहना गलत होगा, पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ के भी अनदेखा कर देते हैं, तभी ये हादसे होते हैं। क्या क्या लगता है आपको? जुड़िए जरूर। जी हाँ, बिल्कुल लापरवाही कहेंगे अनामिका, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया सिंबल्स, शायद ध्यान दिया जाता है उनकी तरफ लेकिन उन पर गौर नहीं किया जाता, हाँ। और गाड़ी अंधाधुंध भगाई जाती है, उन्हें ये लगता है कि भाई एक नशा जैसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास कार है, किसी के पास करोड़ों की कार है, लेकिन भाई किसी की आपके पास करोड़ों की कार है अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की जो जान है वो भी लाखों की है, अमूल्य जान है। अगर आप अपनी गाड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं और उससे अगर कोई आपकी गाड़ी की चपेट में आ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि कार्रवाई आपके खिलाफ भी हो सकती है, आप कितने भी अच्छे रुतबे से क्यों नहीं संबंध रखते हो, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। रैश ड्राइविंग ने एक बार फिर से जान ली, इस बार ट्रक चालक की बात की जाए तो अमूमन अनामिका ये देखा गया कि ड्रिंक करके ट्रक ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं और उसके बाद जब हादसा हो जाता है तो वहां से भाग जाते हैं, ट्रक का जो मालिक है उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ट्रक ड्राइवर बाद में पकड़ा जाता है हालांकि पुलिसिया कार्रवाई में, लेकिन
ये जो पकड़ा जाना अक्सर इस तरह की खबरें हम देखते हैं। पारस है हमारे साथ, बोलिए पारस। हाँ जी, मेरे साथ भी दुर्घटना हुई थी, पर मैं कुछ राय देता हूँ जिससे एक्सीडेंटों में जरूर कमी आएगी अगर इनको लागू किया जाएगा। यातायात नियमों के सरकार को बोर्ड लगाने चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं है यातायात कैसे चलाएं कैसे करें, और एक ही साइड में क्रॉसिंग होनी चाहिए जैसे अब दोनों साइड में करते हैं, और मोटरसाइकिल कार जीप बस के लिए अलग अलग लेन हो, लेन होने चाहिए। हाँ हाँ जी, और इसके अलावा और लोगों को नशे वाले मीटर हो अपने पुलिस वालों के हाथों में, और उचित दूरी 50 गज रखनी चाहिए वाहनों की, ऐसे फिर चौकों पर कम वाहन इकट्ठे होंगे और ब्रेक वहां तक पहुंचते पहुंचते ब्रेक भी लग जाएगा वाहन का। चलिए बहुत शुक्रिया पारस, पारस की तरह आप भी फोन करें। जी हाँ, नामी का बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जिस तरीके से अल्कोहलिक मीटर की बात कर रहे थे कि जो पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं अमूमन चेक करते हैं, तो उसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए हर नाके पर हर चौराहे पर। पुलिस के जो कर्मी हैं, खासकर ट्रैफिक पुलिस के जो हैं कर्मी, उनको जरूर तैनात किया जाना चाहिए अल्कोहलिक मीटर के साथ कि वो चेक करें कि कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं है, डेली रूटीन में होना, बिल्कुल डेली रूटीन में आना चाहिए। राजीव हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजीव जी नमस्कार, बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस का तो लचीलापन है, पुलिस तो के कारण तो ये पुलिस खड़ी होती नहीं, पुलिस खड़ी होती है जहाँ पर ये आसपास से निकल जाते हैं। दूसरी बात ये है, आपकी दूसरी जो मुद्दा उठाया आपने ये सबसे अच्छा है। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसके पर बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आए कि सॉरी मैडम, कोई बात नहीं। राजीव जी आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, दोबारा जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बात हमने पूरी नहीं सुनी, फोन लाइन्स लगातार हमने ओपन कर रखी हैं। जिस दर्शक भी हमारे साथ अगर जुड़ रहा है, कोई भी दर्शक, अगर उसे समस्या हो रही है, अगर आवाज नहीं आ पा रही या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन सा लग रहा है उसे कि कहीं कंजेशन है आवाज, हम बिल्कुल दोबारा जुड़ सकते हैं, दोबारा फोन कर सकते हैं। ये मंच आप ही के लिए है, यहाँ आपकी आवाज होनी चाहिए। हैरान हूं मैं कि आप फोन करने में इतना देरी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सड़क हादसों को आप भी देखते हैं। तेज रफ्तार के कहर को नहीं देखना चाहते, नशे में कोई मार के ना चला जाए, नशे में कोई गाड़ी ना चलाए, ये आप देखना चाहते हैं। ट्रैफिक पुलिस एक्टिव रहे, साप्ताहिक जो लगते हैं उनके ये अल्कोहलिक मीटर वाले प्रोग्राम वो डेली रूटीन में लगे, और इस तरह की तमाम चीजें हो ताकि सड़क हादसों पर ब्रेक लगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको बोलना होगा, ब्रेक के उस पार आप सभी की आवाज का हमें इंतजार रहेगा। देखिए मुद्दा में, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हरियाणा की आवाज में स्वागत है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, भतीजे की हालत गंभीर है और वो अस्पतालों में सांसें गिन रहे हैं। आखिरकार ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से ट्रक चलाया और स्विफ्ट में टक्कर मार दी, नतीजतन एक परिवार को खाना महंगा पड़ गया और मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है ये परिवार। भतीजा भतीजी मौत से जूझ रहे हैं और दंपत्ति की जान चली गई है इस घटना में। ब्रेक के बाद हम आए हैं, समय बेहद कम है, फोन लाइंस लगातार हमने ओपन कर रखी है, आप जुड़िए क्योंकि मिनट दो मिनट ही रह जाते हैं ब्रेक के बाद आने के बाद, और आप जुड़िए अपनी राय हमें बताइए कि आखिरकार सड़क हादसे अब और कितनी जान लेंगे और आखिरकार कब इन पर लगाम लगेगी। ट्रक ड्राइवरों की बात की जाए तो वो तो अंधाधुंध चलाते ही हैं, शराब पीकर चलाते हैं, उनकी भी जाँच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं, साक्षी हैं। साक्षी नमस्कार, बोलिए। सर, ये जो रोड एक्सीडेंट आजकल बढ़ रहे हैं वो सबसे मेन जो उनका एक रीजन है वो ये है कि उन लोगों ने समझ रखी मोस्टली कि रोड जो है उनकी है, तो जिस स्पीड से चाहे वैसे चलाएंगे विदाउट हेलमेट और विदाउट एनी लाइसेंस, तो उनको जैसे चलाने का मन होता है वैसे चलाते, वो ये नहीं देखते कि रोड क्या है, रोड की विड्थ कैसी है, वन वे है टू वे है, वो बस चलाते अपने मन में गाड़ी चलाते हैं कि रोड हमने खरीद रखी है तो ये हमारी रोड है, पिएंगे कुछ भी करेंगे, रोड हमारी है तो हम चलाएंगे। तो उनको इतना दिमाग और सेंस होना चाहिए कि भैया तुम्हारे अलावा भी दुनिया में लोग हैं, वो भी चलते हैं रोड पे सड़क पे, तो तुम्हारी है नहीं है खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए उन्हें।
हाँ, कुल मिलाकर एक अगर मोटा मोटी कहा जाए तो यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, आप जुड़ी हैं, अपनी राय हम तक पहुंचवाई। बहुत अहम बात कही है कि अगर आपके पास गाड़ी है, बेशक वो कितने करोड़ों की हो, लेकिन किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, और आपकी खुद की जान भी है। आप ये भी समझिए, अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। आप खुद तो जाएंगे जान से, साथ में दो चार को और लपेट लेंगे, तो कहीं ना कहीं यातायात के नियमों का नामे का पालन करना चाहिए बिल्कुल। हमारे। और एक पहलू ये भी हो सकता है, खस्ता हाल सड़कें। अब देखिए कि किस तरह से गड्ढे होते हैं, हाँ चार बिल्कुल, चार और छह छह फुट गड्ढे जो है ना, बहुत नुकसानदेह हैं और बहुत खतरनाक भी। इनकी वजह से भी चूंकि जो तेज रफ्तार से आ रहे हैं वो नहीं बच पाते हैं उनसे। और इसके अलावा सीवर लाइन का खुला बिल्कुल, हाँ होना, ये तमाम आप देखिए मसले कि हैं। हाँ वो किस तरह से परेशान करते हैं। और जिन जिन जगहों पर काम किया जाना है वहाँ अगर ठीक तरह से बोर्ड ना लगाया जाए और बताया ना जाए तो वाहन चालक को समझ में नहीं आता कि वहाँ से कैसे गुजरना है, कोई दूसरा रूट लेना है क्या। ये जो चीज़ें हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी की जान बचा सकती हैं, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। अभी तक हम बात कर रहे थे नशे में गाड़ी ना चलाएं, इतने बेपरवाह ना हो जाएं, ध्यान रखें अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका फोकस वहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल, इसके अलावा आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके आसपास से भी गाड़ियां गुजर रही हैं। पैदल यात्रियों को देखकर स्पीड बढ़ा लेने से आप कोई बहुत बड़े चौधरी नहीं बन जाएंगे, आपका कोई इतना बड़ा रसूख नहीं बन जाएगा इलाके के, आप दादा के नाम से नहीं जाने जाने लगेंगे, इस बात का भी ख्याल रखें। लेकिन सरकारी तौर पर भी क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि लोग टैक्स भरते हैं इन सड़कों के लिए, बिल्कुल पैसा जाता है उनकी जेब से, तो उन्हें एक ऐसी सड़क मिलनी चाहिए जहाँ से वो आसानी से अपने घर को लौट सके, चाहे उनका आना जाना कहीं पे भी रहा हो। जैसे ये दंपति, इनका खाना खाने का शेड्यूल था, ये खाने गए थे और घर नहीं लौटे। बिल्कुल, और शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इस घटना में ऐसा कुछ हो जाएगा। और अपने साथ उनके भतीजे भतीजी भी थे, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं, ये कहा जाए तो। कहीं ना कहीं ये हादसे जो होते हैं बेहद ही हृदय विदारक होते हैं, झकझोर देने वाले होते हैं। ट्रक ड्राइवर हादसा हुआ, मौके से फरार हो गया। अब पुलिस की निशानदेही यहाँ पर कि आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया और कार्रवाई कब होगी। और रात में अगर बात की जाए तो अनामिका अमूमन देखा जाता है कि ट्रक ड्राइवर अमूमन शराब पीकर चलाते हैं, बल्कि बिल्कुल ड्रिंक करके चलाते हैं, तो वहां पर पुलिस का सख्त पहरा होना चाहिए कि अगर अगर आपने ड्रिंक की हुई है तो उसका ध्यान रखा जाए, चेक किया जाए कि आखिरकार ये ड्रिंक एंड ड्राइव ना हो और इस तरीके के हादसों पर रोकथाम हो सके। बिल्कुल, इस तरह से निगहबानी और निगरानी करके हम इन हादसों को रोक सकते हैं। इसमें हमें निजी तौर पर भी खुद से अपना योगदान देने की जरूरत है, और सरकार और प्रशासनिक तौर पर जो नियम कायदों को पालन करवाने के लिए जो भी सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं और जो सहयोग दिया जा सकता है अच्छी सड़कों का निर्माण करा के, वो भी होना चाहिए। फिलहाल हम ये रुकेंगे, आपसे जुड़े हुए तमाम मसले लेकर आगे भी हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।